देश वहीं से पहले सामने आया है दलितों का फैसला जो कि निरहुआ ने सुनाया है और आजमगढ़ की सीट पर उन्हीं की सरकार बनेगी इसका निरहुआ ऐलान करते हुए नजर आए। जी हाँ, निरहुआ ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे साथ सभी जातियों के लोग हैं और दलित वोटर भी मुझे ही वोट दे रहे हैं, ऐसा दावा किया था दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि निरहुआ के अनुसार तो वो जीत हासिल कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि असल में जीत कौन पाता है। अगर आजमगढ़ के एग्जिट पोल पर गौर की जाए तो अखिलेश यादव को बढ़ोतरी दी जा रही है एग्जिट पोल में। इसी बीच कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को निरहुआ से ज्यादा वोट मिले हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार क्या फैसला रहने वाला है 23 मई को आजमगढ़ की सीट पर किसकी सरकार इस बार बनेगी। तो वहीं दलितों के फैसले पर निरहुआ ने जिस तरह से बात की थी तो वहीं तमाम जातियों पर भी उन्होंने बात की, और साथ ही साथ अब देखते हैं कि आखिरकार 23 मई को निरहुआ जीतते हैं या अखिलेश। नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया से अजय रिपोर्ट।